सो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम, आदाब। और गाइस, आज हम आपको लेके आए हैं 2022 की ज़बरदस्त होली सेलिब्रेशन के दिन पे। मैं आपको इतनी सी चीज़ बोलना चाहूँगा, होली मनाएं, अपने दोस्तों के साथ मनाएं, फ्रेंड सर्कल में जाके मनाएं, जहाँ पे जाना मनाएं। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम नेचर का भी ध्यान दें साथ में गाइस। मैं यहाँ पे कोई उपदेश देने के लिए तो वैसे भी कभी नहीं आता, आपको बताया। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ तक हो सके कि गुलाल का यूज़ करें। ऑर्गेनिक गुलाल आजकल आने लगे मार्केट में, राइट, तो उसका यूज़ करें और अपनी फैमिली के साथ गुजियाँ खाएं, मिठाइयाँ बांटें और जो भी होली से रिलेटेड रिचुअल्स होते हैं अपने अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग वो सारे मनाएं। आज हमारे दोज, भाई दोज का दिन है, हमारे यहाँ भाई दोज सेलिब्रेट हो रही है। हो सकता है कल कुछ आप में से कुछ लोगों के यहाँ कल उसको मनाया जाए, बट हमारे यहाँ आज सेलिब्रेट हो रही है। तो आज आप देख सकते हैं फेस्टिव मोड है हमारा। और अभी कल मैंने होली बस केवल गुलाल वाली खेली थी, इतनी ज़्यादा रंगों से भरपूर वाली नहीं खेली मैंने, उसको अवॉइड करा। बस यही चीज़ है कि होली का त्यौहार जो मेन चीज़ होली का त्यौहार जो इतना ज़्यादा आजकल लोगों ने मेलो ड्रामेटिक बना दिया है, ओवरली पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो लोग मतलब हरकतें करते हैं वहाँ गलियों में जाके, चौराहों में जाके और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, आई वुड तो रियली डोंट वॉन्ट टू प्रमोट दैम बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। इसको उसकी पूरी गरिमा के साथ मनाया जाना चाहिए। आई होप आप भी मेरे से अग्री करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि वाकई हम देखते हैं, देखते देखते उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, नॉइज़ पोल्यूशन भी एक बहुत ही बड़ा इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप डीजेस वगैरह का एक्सेस में यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो एंड ऑफ द डे आपकी सोसाइटी को हैम्पर करेगा, नेचर को हैम्पर करेगा। और दोस्तों, आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सारे समझदार किस्म के सब्सक्राइबर हैं, और जितने भी आगे वाले सब्सक्राइबर आएंगे वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। जो धरोहर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ओल्ड जनरेशन हैज़ गिवन, आई मीन ट्रांसफॉर्म इनहेरिट, आई मीन जस्ट गिवन अस फॉर अ सेक ऑफ प्रॉपर्टी सेल, आई वुड कॉल इट अ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स वाई वी आर प्रिजर्विंग दिस पर्टिकुलर नेचर एट दिस मोमेंट, वी आर लिविंग आवर लाइफ, वी आर ब्रीदिंग फॉर आवर सेल्फ, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम वो चीज़ आगे पास ऑन कर सकें आगे वाली जनरेशन को। बहुत मैंने देखा है गलियों में आजकल लोग बड़ी भद्दी किस्म की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि आइडियली नहीं होने चाहिए। कहाँ तक मतलब आप खुद ही सोच लो कि अगर आप जाते हो मार्केट में अपनी सिस्टर के साथ, वो खुद आप ऑकवर्ड फील करते हो कि भाई ऐसे क्या यही होली थी, वाकई में यही होली हम मनाना चाह रहे थे, यही चीज़ हम अपने मतलब आगे की जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है वो जितना हो सके इन चीज़ों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ बहुत ही फायदेदार किस्म से मनाएं, पूरा इंजॉय करें, जो चीज़ करना चाहते हैं वो करें, राइट। बट फूहड़ता जहाँ आ जाती है वहाँ पे मतलब क्लास ख़त्म हो जाती है, सीधी सीधी बात, राइट। पहली चीज़ क्लास ख़त्म हो जाती है और अननेसेसरी किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ अगर आप दोस्तों, ये मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो हमारे हाथों में है, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में हमेशा होती है, राइट। हमारा एक डिसीज़न उस चीज़ को सही या गलत साबित करने में हमें हेल्प कर जाता है। तो मैं तो जानता हूँ हमारे सब्सक्राइबर और हमारे देश के लोग सुधर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खुद को, नेचर को प्रिजर्व करने की कोशिशें करी जा रही हैं। तो वो चीज़ों को जाया ना होने दें दोस्तों, बस मेरी इतनी सी दरख्वास्त है। बाकी तो यार होली तो हिंदुस्तान का सबसे मतलब रंग का त्यौहार है ना, रंग, कलर और क्या कहते हैं, प्रकाश का त्यौहार है, ज्ञान का प्रकाश, आई मीन जाके उसको फैलाएं और खुद भी उसे लाभान्वित होने की कोशिश करें, राइट। तो इसी अरदास के साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, हैप्पी होली 2022, इंजॉय योर सेल्फ विद योर फैमिली, गुजिया खाओ, मज़े करो यार, और देश को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाओ। बाय बाय, सल्यूट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री एंड टू आवर होल यूनिवर्स। बाय बाय, यात्रा मत करो।